गया, मित्र बोले चलो मैं भी आ रहा हूं। आगे बढ़े, सुंदर सुंदर फूल हैं, रोहित तोड़ रहे हैं। एक बड़ा सा फूल देखा, उसमें विश्वामित्र सर्प बन के बैठ गए। रोहित ने फूल लेने के लिए जैसे ही आगे वो अपना हाथ बढ़ाया, अंगुली में डस लिया, रोहित हाय मां कह करके जमीन पर गिर गया। विश्वामित्र काशी में पहुंचे, काशी के लोग, किसी का लड़का फूल लेने गया था, उसे सर्प ने डस लिया। मां समझ गई हमारा ही बेटा गया है। ब्राह्मण सका चली जाए, बोले बिल्कुल नहीं, पहले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद में चली जा, देख कर क्या मरा है या जिंदा है। एक तुई लड़कों वाली नहीं है, दुनिया की सभी औरतें पांच नहीं हो गई, समझी। मां ने धर्म की खातिर बंधुओं भोजन बनाए, चली जाए, चली जा, अगर मर गया हो तो यहां लेकर के मत आना, भाई शमशान में जला देना। रोती हुई चली, पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन माए। रोहित बेहोश पड़े हैं, माँ ने गोदी में ले लिया, क्या हो गया? रोहित बोले मैया बेटा तुम रोना नहीं, लीनो जन्म सो मरत है, सर्प ने डसाया, अब मैं बचूंगा नहीं। दुख सुख की जो कछु कहरी, सो मैया मोसे कहले, ओ मैया बेटा अपने डसाए में बचूंगा नहीं, मुझे पिताजी नहीं मिल पाएंगे। बबुला से मेरी नाम नाम कह देना, प्राण भले ही जाए धर्म मनोइना। ओ मैया बेटा मेरी मात करो कर लो अपनो ही ओ, और दिल में लियो समझ जन्म नहीं बेटा। आगे बोलो बेटा, ललन के बोल सुनाए दे, कापे तो डस गो कारो राम ललन के बोल सुनाए दे, कापे तो डस गो कारो राम।
जब तुम अयोध्या में जन्मे थे लाला, तब तुम्हारे पिता ने अरबों की दौलत तुम्हारे जन्म के उपलक्ष्य में लुटाई। लेकिन मेरे लाल, आज हमारे पास इतना भी नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर कफन तक डाल देती। माँ ने झोली की, भगवान आज मुझे इतना दे दे कि मैं अपने बेटा के ऊपर कफन डाल दूं। तेरा एक टका दे देने से कुछ भी तो नहीं घट जाएगा। शुकदेव जी कहने लगे हैं।